जमहूरियत की सरकार बनती है उसकी खासियत क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे इंट्रोडक्शन में। अब स्टार्टिंग में उसका कुछ जो बेस है वो कैसे बनी है, एक आपको साउथ अफ्रीका के बारे में। एपार्थाइड वाज एन अनफेयर पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वेयर अ माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन रूल ओवर द ब्लैक मेजॉरिटी। एपार्थाइड, एपार्थाइड का मतलब है एक हिसाब से लोगों को अलग करके रखना, कुछ कुछ जो एक हिसाब से रेसिज्म। कैसे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या होता था, जो जो माइनॉरिटी, माइनॉरिटी यानी जो कम जो गोरे लोग थे जिनकी पॉपुलेशन कम थी, वो क्या करते थे, वो जो वहाँ के जो काले लोग हैं उनके ऊपर हुकुम चलाते थे। मतलब वो वहाँ के जो गोरे अंग्रेज़ थे, वहाँ के जो गोरे लोग थे, वो वहाँ जो असल में जो वहाँ के जो काले लोग थे उनसे नफरत करते थे, उनको अपने से कम समझते थे। अंडर द एपार्थाइड ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वोट एंड वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दे हैड पुअर एक्सेस टू पब्लिक सर्विस एंड देयर ओन कंट्रीज नेशनल रिसोर्स। तो जो ये एपार्थाइड के यानी जहाँ पे अलग रखा जाता था, वहाँ पे जो काले लोग थे उनको हक नहीं था वोट देने का, और उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता था, उनको हमेशा कम समझा जाता था। और जो गरीब होते थे उनको जो पब्लिक सर्विस, जो सरकार की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने से मनाही थी, उनको अलाउ नहीं करते थे, या उनके जो देश में कुछ नेचुरल रिसोर्स जैसे पानी कहीं से लेना या कुछ, उन सब के लिए मना था। ए ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड एंड हेल्प साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1994 अबाउट 47 ईयर्स लेटर इंडिया। कुछ लोगों ने एक एक ग्रुप बनाया, एक बनाया जिसका नाम रखा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जिसको लीड कर रहे थे, जिसके जो नेता थे वो थे नेल्सन मंडेला। आपने सुना ही होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, उन्होंने लीड किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो जो अलग थलग जो रखते थे जो काले लोगों को, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ जद्दोजहद जहद की, और उसकी वजह से क्या जो साउथ अफ्रीका था वो आज़ाद हो गया। कब, 1994, यानी जो इंडिया है उसके 47 साल बाद तब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ। यानी कुछ लोग तो आप में से अभी 94 में पैदा भी नहीं हुए थे तो तब हुआ। पार्टिसिपेशन मतलब इसमें हिस्सा कैसे लिया जाता है इस डेमोक्रेसी में। इलेक्शन इज द प्रोसेस दैट मेक्स डेमोक्रेसी ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इलेक्शन जो है वो क्या करता है, एक जमहूरियत को कैसे बनाता है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म मतलब जहां हम लोगों को चुनते हैं और वो वहां पे आके जाके सरकार बनाते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, हम एमएलए को चुनते हैं, एमएलए फिर आगे अपना एक प्राइम मिनिस्टर चुनता है या एमपीज बनते हैं, तो ये सब फिर एक सरकार बनती है। जिस तरह जिसके एमएलए जीते हैं वो फिर उसकी सरकार बनती है। पीपल पार्टिसिपेट इन द नेशंस डिसीजन मेकिंग बाय वोटिंग टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। तो लोग क्या करते, लोग करते नेशन जो कानून, नेशन के जो मतलब जो देश के जो भी फैसले होते हैं वो कैसे लेते हैं, वो वोटिंग से लेते हैं, वो वोट डालते हैं, और वो क्या करते हैं अपने एक ऐसा नुमाइंदा चुनते हैं जो आगे फैसले लेते हैं, जो बड़े बड़े फैसले लेने में पूरा फाइनल डिसीजन लेते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर जनरली इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स बट दे कैन बी री इलेक्टेड। जितनी भी जमहूरियत की सरकारें होती हैं वो कुछ एक फिक्स टाइम के लिए चुनी जाती है। जैसे हम अगर प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं वो 5 साल के लिए चुनते हैं, हाँ, मगर कुछ टाइम के बाद अगर 5 साल हो जाए फिर वो फिर से इलेक्शन जीत लड़े, अगर वो जीते तो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। वैसे ही चीफ मिनिस्टर का भी होता है, 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर चुनते हैं तो 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होते हैं, और फिर सीएम अगर वही जीतता है तो वही बनेगा, नहीं तो दूसरा सीएम बनता है। देर ऑल्सो अदर वेज सच एज प्रोटेस्ट, धरनाज, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स एट्सेट्रा विच पीपल यूज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड टेल गवर्नमेंट्स व्हाट एक्शंस मस्ट बी टेकन टू हेल्प द कंट्री एंड इट्स पीपल। यहाँ डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में कुछ और रास्ते हैं, जैसे प्रोटेस्ट,
धरने पे बैठना, रैलियां निकालना, स्ट्राइक्स करना, जैसे हम बोलते हैं कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स, मतलब सिग्नेचर कि हम इस बात इस चीज़ के खिलाफ है, सरकार को बताना है कि आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। कई बार हो हम सुनते हैं कि कुछ लोग सरकार की बातों से पसंद नहीं है, उनको अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या रैलीज निकालते सरकार के खिलाफ, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, धरने पे बैठते हैं और सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं। फिर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जितने भी कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है देश में, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सब काम सरकार का है। वन एवर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एंड रनिंग अ गवर्नमेंट, देयर आर हाई चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कल्चर, रीजन एंड कास्ट। जब अलग अलग ग्रुप के लोग एक सरकार चलाते हैं अलग अलग, तो अमूमन क्या है कि उनके बीच में मनमुटाव होता है। मनमुटाव मतलब कि दो लोगों की या दो ग्रुप्स की राय आपस में एक जैसी नहीं हो, कई बार भेदभाव हो जाता है, किस पे, धर्म मज़हब के नाम पे, कल्चर के नाम पे, एरिया के नाम से, कास्ट के नाम से, जात के नाम से। तो रीजन किसी को बोलते हैं तुम फलाना के हो तुम अच्छे नहीं हो, तुम फलाना जगह के हो तुम अच्छे नहीं हो, हम फलाना जगह के हैं हम आपसे सुपीरियर हो, तो इस बेस पे भी कई बार आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। सच कॉन्फ्लिक्ट्स में रिजल्ट इन वायलेंस एंड ए लोकल और स्टेट गवर्नमेंट मस्ट रिजॉल्व देम। कभी कभी क्या होता है इस इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, काफ़ी तोड़फोड़ होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं काफ़ी, तो लोकल या स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि उसका कि उन सब मैटर्स को, जो ये प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करें, उनको ख़त्म करें। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स द सेंट्रल, नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू फाइंड सोल्यूशन। अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये दो स्टेट्स के बीच में है, तो जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसका फ़र्ज है कि ये आपस में जो दो स्टेट्स का जो मसला है उसको ख़त्म कर सके और कोई सोल्यूशन निकाल सके। फिर इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी मतलब बराबरी और जस्टिस यानी इंसाफ, कैसे होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी आर इक्वालिटी एंड जस्टिस, एंड जस्टिस कैन नॉट ओनली हैपन व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। जो जमहूरियत के जो बुनियादी एक चीज़ें हैं, जो खासियत है, वो ये है कि बराबरी और इंसाफ। मगर इंसाफ ऐसा नहीं हो सकता जब तक लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिले। इन ट्रू डेमोक्रेसी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ ए पनिशेबल क्राइम। जो असल में जो जमहूरियत होती है वहाँ पे किसी भी तरह की अगर भेदभाव होता है, किसी से किसी को कम माना जाता है, या अगर जैसे जेंडर के नाम पे, यानी कोई अगर लड़का है तो उसको ज़्यादा सहूलियत मिलनी चाहिए और जो लड़की है उसको कम मिलनी चाहिए, या लड़कों को पढ़ने का हक है लड़कियों को नहीं है, या किसी एक खास रिलीजन के लोगों को पढ़ने का हक है किसी को नहीं है, तो ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है, कोई अगर कोई रंग के किसी के चेहरे के रंग के हिसाब से उसमें भेदभाव करता है तो वो भी एक तरीके का जुर्म है। तो ये जो सच जो असल में जो जमहूरियत है वहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या सरकार को आगे आना चाहिए और इनके खिलाफ़ काम करना, इनके खिलाफ़ फैसले लेने चाहिए और इनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये एक जमहूरियत सरकार का काम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे YouTube पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू।